लखनऊ पुलिस ने 2 महीने पहले हेलमेट का एक विस्तृत अभियान चलाया था, जिसमें जनता ने, मीडिया ने काफ़ी सहयोग किया। और उस समय ये देखने आया था कि जनता ने यहाँ पर लगभग 25 से 30 हज़ार हेलमेट जनता ने खरीदे थे और उनको अपने पहनावे में भी लाए, उसको आदत में भी लाए, जिससे हमारे सड़क पे जो हेलमेट पहनने का जो परसेंटेज होता है लोगों का, वो काफ़ी उसमें इजाफा हुआ था। इसी क्रम में इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए कई बार ये भी देखने में आता है कि पुलिसकर्मी हों, चाहे होमगार्ड हों, PRD हों, हाल फिलहाल में भी एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी वर्दीधारी भी कई बार पाए जाते हैं बिना हेलमेट पहने हुए। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए हम लोग एक अभी पुलिसकर्मियों के साथ भी अपील कर रहे हैं और ये अभियान चलाएंगे, जिसमें जो हमारे कार्यालय होते हैं इसमें एक तरह से नो हेलमेट नो एंट्री पुलिसकर्मियों के लिए, जनता के लिए नहीं, इसमें ये चलाया जाएगा, जिसमें पहले हिदायत दी जाएगी, सचेत किया जाएगा, वार्न किया जाएगा, और उसके उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हफ्ता 10 दिन बाद यदि कोई उसका अनुपालन नहीं करता है तो उसमें विभागीय स्तर पर कार्रवाई भी संभव है चालान के साथ साथ। तो ये एक मैसेज रहेगा कि यदि हम वर्दीधारी जब हम स्वयं हेलमेट पहन रहे हैं, स्वयं उसका पालन कर रहे हैं, तो ये इसका मैसेज एक अच्छा रहेगा पब्लिक में कि सभी लोग इसका पालन करें। फिर ये भी कई बार दिखने में आता है कि चालान काटते हुए कई बार लोग ये हवाला देते हैं कि अपने पद का हवाला देते हैं और ये कहते हैं, तो जब उनको खुद पता होगा, जब पुलिस का स्वयं का ही चालान कट जाता है आजकल, तो उनका भी एक तरह से मनोबल गिरेगा और वो भी एक आदर्श नागरिक के भांति जो है चालान कटवाने में हिचकिचाएंगे नहीं और एक आदर्श नागरिक के भांति चालान भी कटवाएंगे और आगे से हेलमेट भी पहनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो ये आगे जारी रहेगा, इसी क्रम में हमें उम्मीद है कि लगभग 1,000-1,500 पुलिसकर्मी भी इस बीच हेलमेट खरीदेंगे और इसका अनुपालन करेंगे, और उसके बाद फिर से आम जनता के लिए फिर से इस ड्राइव को एक बार फिर से चलाया जाएगा इस मैसेज के साथ कि अब अगली ड्राइव में भी हम लोग लगभग कोशिश करेंगे कि पब्लिक के लोग 10 से 20 हज़ार हेलमेट और ख़रीद लें और सुरक्षित रहें, अपनी जान की रक्षा करें।